नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे स्वस्थ और बढ़िया होंगे। मैं इंजीनियर मोहित यादव आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बी आर अकेडमी पर। तो आज हम फिजिक्स में स्टार्ट करेंगे द्रवस्थैतिकी। क्लियर? तो आप इसमें क्लास ले रहे हैं पॉलीटेक्निक की। तो पॉलीटेक्निक में आपका आज टॉपिक स्टार्ट होगा फिजिक्स का, नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है द्रवस्थैतिकी। ठीक है ना? इसमें आप फ्लूइड एनर्जी के बारे में जानेंगे, यानी कि द्रव की ताकत के बारे में जानेंगे। ठीक है ना? तो आप बिल्कुल वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और आपको बढ़िया और एकदम अच्छी चीज़ मिलेगी सीखने के लिए। तो कंटिन्यू आप इसके साथ रहेंगे वीडियो की। ठीक है ना? चलिए तो बात करते हैं हम लोग। क्लास स्टार्ट हो रही है आपकी पॉलीटेक्निक। क्लियर? एक बढ़िया और गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब भी आपको बढ़िया और गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा बढ़िया ट्रेड के साथ। ठीक है ना? क्लियर? तो आइए बिना समय गवाए हुए आप तैयारी करते हैं पॉलीटेक्निक की। पॉलीटेक्निक में आपकी चल रही है फिजिक्स। क्लियर? दिखाई पड़ रहा है क्या? चलिए, माइक की आवाज़ ठीक आ रही है एक बार सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, विश यू वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आगे देखते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक आपका द्रव स्थैतिकी। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। इसमें आपको सारी जानकारियां मिलेंगी द्रव के बारे में। ठीक है ना? तो इस सब जानकारी से पहले हम आपको बता दें कि द्रव में बेटा एक दाब लगता है। ठीक है? द्रव के द्वारा क्या लगता है? दाब। तो सबसे पहले स्टार्टिंग जो आपकी होगी वो दाब से होगी, यानी कि प्रेशर से। क्लियर? प्रेशर कैसे लगता है इसके बारे में समझ लो कि कोई एक प्लेन है, मतलब कोई एक समतल जगह है, आपने उस पर बल लगाया, लेकिन वो बल कैसा होना चाहिए? एकदम लंबवत, यानी कि 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? यानी कि समझ लीजिए कि कोई एक प्लेन है, कोई एक प्लेन है, इस पर आपने एक फोर्स लगाया, कैसा? बिल्कुल एकदम 90 डिग्री पर। क्लियर? तो वो चीज़ आपकी क्या कहलाई जाती है? प्रेशर कहलाई जाती है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? यानी जब भी आप कोई भी फोर्स लगाएंगे बिल्कुल एल्टीट्यूड यानी कि 90 डिग्री पर, तो उस चीज़ को आप क्या कहेंगे? प्रेशर। बात समझ में आ रही है? चलिए थ्योरी से देखेंगे कैसे। चलिए देखते हैं। ये क्या है? एक एरिया है, दिखाई पड़ रहा सारे बच्चों को? ये क्या है? एक एरिया है। तो आपने क्या किया, एकांक क्षेत्रफल पर। क्लियर? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल क्या कहलाएगा? प्रेशर, यानी कि दाब। डेफिनेशन बन गई आपकी। क्लियर? फॉर्मूला क्या हो गया? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बात अगर इंग्लिश की करें तो दाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ? प्रेशर। बल को क्या बोलेंगे? फोर्स। क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे? एरिया। बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो ये आपका फॉर्मूला क्या बन गया? प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर? चलें आगे। चलिए अब समझ लो, बात करें अगर हम इसके यूनिट की। किसकी बच्चों? अगर हम बात करें इसके यूनिट की, तो यूनिट कैसे निकालेंगे समझ लीजिए। आपको अपने फोर्स की यूनिट पढ़ाई है, क्या है? न्यूटन। क्षेत्रफल की यूनिट क्या पढ़ी है आपने? मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या हुई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि दाब की खोज करी थी पास्कल ने। दाब की खोज किसने करी थी? पास्कल ने बताया था इसके बारे में। तो इसकी एसआई यूनिट जो है वो भी क्या है? पास्कल। क्लियर?
याद करने का तरीका। चलिए शॉर्ट में अगर हम पास्कल की बात करें तो शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं पा। क्लियर, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? दूसरी चीज़ समझिए कि जो भी आपका दाब है, जो भी दाब है आपका, इसे दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसे किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है? दिशा की। तो जिसे दिशा की आवश्यकता नहीं होती है वो कौन सी राशि कहलाई जाती है? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए चलें आगे। क्लियर, चलिए क्लियर। बात न्यूमेरिकली करते हैं। एक क्वेश्चन है कि किसी द्रव द्वारा ४० मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर ₹100 न्यूटन का बल आरोपित है। क्लियर, किसी द्रव द्वारा, बहुत अच्छे समझेंगे, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझ में बढ़िया आना चाहिए, उसके बाद आप स्वयं कर सकते हैं। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है कि किसी द्रव द्वारा 40 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर लगने वाला बल 100 न्यूटन है, तो द्रव द्वारा दाब कितना होगा? क्लियर, तो आपसे क्या पूछा गया? प्रेशर पूछा गया। क्लियर, बहुत अच्छे समझेंगे। तो आपको पता है पी बराबर फॉर्मूला होता है एफ अपॉन ए। क्लियर, आप बताइए एफ का मान कितना है? 100 न्यूटन अपॉन एरिया कितना है? 40 मीटर स्क्वायर। क्लियर, आप बताओ जीरो से जीरो कट गई, 4c कितनी बार कटेगा? 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 2.5 पास्कल। क्लियर, समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? चलिए चलें आगे, साफ करें इसे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी द्रव द्वारा 50 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर लगने वाला बल 20 किलो न्यूटन है, तो दाब कितना होगा? तो द्रव द्वारा दाब कितना होगा? तो दाब पूछा गया, प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा आपने, क्या पढ़ा फॉर्मूला? पी बराबर एफ अपॉन ए। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चलिए आप बताइए एफ का मान कितना दिया गया है? 20 अपॉन ए का मान कितना दिया गया है? 50। अब समझेंगे F बराबर जो आपको 20 दिया गया, लेकिन न्यूटन में होना चाहिए, यहाँ किस में? किलो में। और किलो का मतलब क्या होता है बच्चों? कौन बच्चा बताएगा किलो का मतलब? कौन बच्चा बताएगा किलो का मतलब? किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। क्लियर, तो आप यहाँ क्या करेंगे? 10 की पावर 3, उसके बाद न्यूटन, नीचे मीटर स्क्वायर। क्लियर, आप बताइए जीरो से जीरो कटेगी क्या?
चलिए ऊपर क्या हो गया 2000 अपॉन में कितना है 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, 5 से ये कितनी बार कटेगा 4 बार। टोटल आंसर कितना आ गया 400 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही क्या, कोई दिक्कत? चलिए चलें आगे, आगे चलें क्या, बहुत अच्छे समझ में आएगी एक एक चीज़, बढ़िया समझाएंगे हम VIP, निश्चिंत रहिए आप एकदम, ठीक है ना। चलिए आगे चलें क्या, चलिए एक बात और समझिए अच्छे से। आप में से हमें ज़रा ये बताओ, बहुत से बच्चे, कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी कमेंट करिए और बताइए कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। आगे कमेंट देखें क्या, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बात करते हैं आयतन की, कि कोई एक बॉक्स है हमारा, कोई एक बॉक्स है हमारा, क्लियर। आयतन का मतलब होता है कि इस बॉक्स में ऊपर छेद करके इसमें पानी भर दिया जाए पूरे में, क्लियर। पानी जो भर जाएगा वो पूरा क्या कहलाया जाएगा, आयतन। तो इस बॉक्स में, ये बॉक्स आपका इस समय है 3D में, किसमें है 3 डायमेंशन, यानी इसमें 3 डायमेंशन है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, क्लियर। X, Y, Z, समझ में आ रहा है। चलिए तो 3 डायमेंशन है, वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं, वॉल्यूम को हम अगर चाहें तो एरिया इनटू हाइट कह सकते क्या? कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे, समझ लो कैसे, आप बताओ। फॉर्मूला L×B×H होता है क्या? L×B को हम क्या एरिया कह सकते हैं और हाइट अपनी जगह है, क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए ये चीज़ हमने क्यों समझाई, इसके बारे में अब आप जानेंगे आगे। ये चीज़ इसलिए समझाई कि अब एक बॉक्स है जिसमें पानी भरा हुआ है, क्लियर। तो आप बताओ इसका तल कौन सा है, ये है नीचे वाला, क्लियर। पानी भरा है तो इस वजह से इस पर एक दाब काम करेगा कि नहीं काम करेगा, गहराई के ऊपर निर्भर करेगा दाब, कैसे, जितनी ज़्यादा गहराई होगी उतना ज़्यादा द्रव का दाब काम करता है। तो क्या संबंध है, कैसे निकालेंगे द्रव का दाब, कैसे निकालेंगे गहराई के अनुसार, सामने देखेंगे। आपको पता है P बराबर पढ़ा है आपने F/A, राइट या रॉन्ग, राइट या रॉन्ग। चलिए आपसे बात करेंगे हम F की, तो F बराबर आपने क्या पढ़ा है, M×G पढ़ा है, अपॉन में एरिया है, क्लियर। M×G, M क्या है द्रव्यमान, G क्या है त्वरण यानी कि ग्रेविटी, क्लियर। एक्सीलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, सामने देखेंगे कंडीशंस क्या हैं। आप बताओ M के बदले आप क्या लिख सकते हो, M के बदले आप क्या लिख सकते हो, V×D
इंटू में जी अपॉन में ए। वी इंटू डी का मतलब क्या है वो समझ लो, सामने देखेंगे। आपने पढ़ा है घनत्व, क्या पढ़ा है घनत्व, इंग्लिश में से बोलते हैं डेंसिटी, क्या बोलते हैं डेंसिटी। क्लियर, दिखाई पड़ रहा है अच्छे से, आपने पढ़ा है घनत्व, इंग्लिश में बोलते हैं इसे डेंसिटी। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एकांक आयतन में जितना द्रव्यमान होता है उसे आप घनत्व कहते हैं। बात अगर इंग्लिश की करें हम तो आप क्या बोलोगे, D इक्वल टू एम अपॉन वी। सिंपल सा मतलब घनत्व के बारे में समझ लो, घनत्व मतलब बताता है कि कोई भी द्रव कितना गाढ़ा है। क्लियर, जो जब आपका द्रव जो होता है यानी जो लिक्विड है वो जब गाढ़ा होता है इसे आप क्या कहेंगे, घनत्व। क्लियर, किसका घनत्व कितना है। बात पानी के घनत्व की कर रहे हैं तो पानी का घनत्व कितना होता है 1000। क्लियर, 1000 आगे मात्रक क्या रहेगा देखेंगे आप, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, आयतन का मात्रक क्या होता है मीटर क्यूब, तो मात्रक क्या होगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्लियर, अगर हम यहाँ से एम का फॉर्मूला निकालें, अगर हम यहाँ से एम का फॉर्मूला निकालें तो क्या फॉर्मूला बनेगा ज़रा बता सकते हैं आप लोग, एम बराबर डी इंटू वी बनेगा। तो एम बराबर द्रव्यमान बराबर वी इंटू डी लिख दिया हमने, बात समझ में आ रही क्या। चलिए आगे बढ़े, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आप देखते हैं V बराबर हमने आपको अभी पढ़ाया था आयतन बराबर क्या पढ़ाया था एरिया इंटू हाइट पढ़ाया था, जब आपने L B H पढ़ा था याद है, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं V बराबर A इंटू H लिख सकते हैं क्या, यस या नो करके कमेंट करिए जल्दी जल्दी। चलिए एक एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे, एक एक चीज़ समझ में आएगी सामने देखें। तो V के बदले आप क्या लिख सकते हैं A इंटू H लिख सकते हैं, ये रहा A, ये रहा H, ये रहा D, ये रहा G अपॉन में A, A से A कट जाएगा। दिखाई पड़ रहा सारे बच्चों को, बहुत अच्छी बात है, अच्छे से समझते चलेंगे आप। ठीक है बेटा, आप बताओ P बराबर क्या आ गया, H D G आ गया कि नहीं आ गया। क्लियर, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई समस्या। तो दाब की गहराई संबंध पूछा जाए तो आप बता दें एच डी जी, दाब और गहराई कितना, दाब गहराई के अनुसार पड़ेगा तो P बराबर एच डी जी, ये फॉर्मूला आप तैयार रख लीजिए। क्लियर, तो दाब है, दाब का मात्रक सेम वही रहेगा क्या, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर, एक एक चीज क्लियर हो रही क्या, कोई समस्या कोई दिक्कत। चलिए बहुत अच्छी बात, ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ना है हमारे साथ, जैसा हम पढ़ाते जाएँ वैसा पढ़ते जाइए, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना, बहुत अच्छा और सटीक पढ़ाते हैं हम, एक एक चीज़ डाउट क्लियर कराते हैं बच्चों की। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, बच्चों का डाउट क्लियर होना, समझ में आया, यदि आपका डाउट क्लियर होगा तभी आप सिलेक्ट होंगे, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंपटीशन का कभी नहीं निकाल सकते, बात समझ में आ रही है, कभी भी आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं निकाल पाएंगे यदि आपके डाउट्स हैं तो। तो बहुत अच्छी तरीके से और सटीक बढ़िया हम समझाते हैं, आप ऐसे ही जुड़ते रहिए, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर कीजिए, इसका लिंक कॉपी करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, ग्रुप्स में, सारी जगह आप शेयर कीजिए, इसे आपको ऐसे नए से नए वीडियो मिलते रहेंगे, बढ़िया बढ़िया जानकारियाँ मिलती रहेंगी, ठीक है ना, आप बस निरंतर हमारे साथ बने रहिए, ठीक है ना, सफलता आपके कदम चूमे बेटा, ये बात जीवन में हमेशा याद रखना, ठीक। चलिए तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम कराएंगे इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द्रव दाब के नियम बताएंगे, उत्प्लावन बल के बारे में बताएंगे, आर्कमिमिडीज के सिद्धांत के बारे में बताएंगे, ठीक है ना,
बस आप यूं ही जुड़े रहिए और आप तरक्की करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाई का सेस, कल फिर मिलेंगे इस चैनल पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए। धन्यवाद। समय समाप्त।